गाइस नमस्ते। तो आज है गणेश चतुर्थी और मैं हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती हूँ, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, एकदम चकाचक कर दिया घर को, और मेरी फ्रेंड आने वाली है थोड़ी देर में, उससे मैंने फूल मंगवाए थे, मंदिर की डेकोरेशन करनी है। तो तब तक मैं नहा लेती हूँ, फिर एक सुंदर सी ड्रेस पहनेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे, खुद अपने हाथों से बनाऊंगी मैं, फिर पूजा करेंगे और फिर शाम को मंदिर जाएंगे। तो मैंने स्नान ग्रहण कर लिया है और अब मैं ये पहनूंगी, ये वाली ड्रेस। एंड इसका एक फैक्ट बताऊँ, ये कल तक एक लंबा कुर्ता था, लड़के तो नहीं जानते होंगे, नायरा कट बोलते हैं। तो मैंने कल दीदी को बोला कि मुझे कुछ अलग पहनना है, मुझे वो रिपीट नहीं करनी ड्रेस। तो खैर ये रिपीट तो हो जाएगी, बट इसको अलग डिज़ाइन में कर दिया दीदी ने, इसको एक कुर्ती बना दी काट के यहाँ से, एंड अब मेरे पास एक नई ड्रेस हो गई। तो आज मैं ये पहनूंगी। प्लीज ऐसे मत बोलना, ओवर एक्टिंग कर रही है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या बनाना है, बट कंटेंट चाहिए, सो प्लीज सपोर्ट। तो ये चुड़ैल आ गई, माला व फूल ले आए हैं डेकोरेशन के लिए, अब हम डेकोरेशन डेकोरेट करेंगे उसको। किसको अनसब्सक्राइब करवाएगी तू? मुझे ऐसे बोलना भी नहीं आ रहा इसको। मैं चाहती हूँ उसको कोई फॉलो ना करे। और कितना मुश्किल काम है ना न्यू ब्लॉगिंग करना। फटाफट तैयार हो, उसके बाद लड्डू तैयार होके। तो ठीक है, हम रेडी होने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम सुंदर सुंदर मल्लिकाएं बन के, फिर लड्डू बनाएंगे। यार मैंने इसको पहना और ये पहनते ही फट गया। टेंशन मत ले बाबू, इसको स्टिच कर दूंगी मैं अभी। मैं टेंशन नहीं ले रहा बाबू, तू इधर आ, इसको सिलाई कर इसकी फटाफट, इधर बैठ जा चेयर पे। देखो हमारा प्यार देखो तुम, पेट मत दिखा मेरा। मैं बंद कर देती हूँ उसको, रुक। डन। खुशबूरत लग रही है, खुशबूरत। तो मैं आपको अपनी फैशन दिखा देती हूँ, फैशन आज की। ये देखो इसको बोलते हैं प्लाजो, ये कुर्ती और ये मेरे इयररिंग्स, और ये इसी ने गिफ्ट किए थे, और ये चूड़ियां, और बस लिपस्टिक लगाई है, लाइनर लगाया है, बस। यार मैं भी ऐसे करूँ क्या? थारा भाई जोगिंदर इतने ब्लॉग बनाएगा, इतने गंदे ब्लॉग बनाएगा कि आप सभी मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे। गवार है यार, अब तेको अनसब्सक्राइब भी नहीं बोल रहा था। प्लीज गाइस, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्यों रोकू। तो ये है हमारा क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा मंदिर जिसमें हमारे गणपति जी बैठते हैं। ये मंदिर मैंने अभी एक महीने पहले ही मेरे रूम में रखा था, क्योंकि मैं किसी रीजन से बहुत डिप्रेशन में चल रही थी, तो मुझे अच्छी वाइब मिलती है इनसे, तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ इनकी, धूप अगरबत्ती सब ऐसे, उनकी खुशबू से भी ऐसे माइंड ठीक रहता है। तो अब इनको ये माला पहनाएंगे जो चुड़ैल लेके आई थी। तो अब करते हैं, आ जानू। गणपति सज गए तो अब हम दोनों भी तैयार हैं, अब हम लड्डू बना के लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम इतने अच्छे कुक भी हैं। और क्या बोले यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गाइस प्लीज गालियां मत देना, ऐसे बोलेंगे यार इतना बोरिंग ब्लॉग हमने हमारी जिंदगी में देखा, यार अपन रोस्ट होएंगे शायद, सोच अपने को कैरिमिनोटी रोस्ट कर दे यार, फेमस हो जाए अपन तो ऐसे ही, चल क्रिंजी बनाते हैं फिर तो, है ना, रोस्ट होते हैं, ध्यान अपने जैसे टुच्चे पुच्चे पे कहाँ ध्यान देगा कैरिमिनोटी भी, चलो छोड़ अपने गणपति बापा है ना हमारा साथ। ढोंग नहीं कर रहे भगवान, हम मैं सच में आपकी पूजा करती हूँ, यूट्यूब से पहले भी करती थी। तो चल ठीक है, हम जा रहे हैं कैरिमिनाटी से रोस्ट होने, चल लड्डू बनाते हैं। Thank you.
हैं।